तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार किसान मित्रों, फिर से आपके लिए सरसों का अपडेट दोस्तों लेके आ गया हूं। सबसे पहले आपको बता दूं, सरसों के लिए खुशखबरी है, सरसों किसान डरे नहीं, जल्द सरसों में दोस्तों अच्छी तेजी, जिस प्रकार से नरमा में तेजी थी वैसी तेजी जल्द आने वाले दोस्तों। मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के बता देता हूँ क्या कुछ रिपोर्ट के अनुसार सरकार कर रही है। किसान साथियों, बुधवार का दिन लगातार दूसरा दिन था जब सरसों बाजार में लगातार हल्की तेजी देखने को मिली। तेल मिलों की मांग बनी रहने से बुधवार को लगातार दूसरे दिन सरसों की कीमतों में सुधार भी आया। जयपुर में कंडीशन की सरसों के भाव 25 रुपये तेज होकर 6875 रुपये क्विंटल से 6900 रुपये क्विंटल हो गया। दिल्ली में भी कंडीशन सरसों का भाव सुबह 100 रुपये तक का उछाल देखने को मिला, हालांकि शाम होते ही भाव स्थिर देखने को मिला, 6700 पर कारोबार बंद हो गई। ब्रांडेड कंपनियां की बात करें तो सरसों का जो है मिला जुला व्यापार हुआ, जहां एक दो कंपनियां ने खरीद कीमतों में 50 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की, वहीं कुछ कंपनियां ने खरीद भाव घटा दिया। हालांकि सरसों तेल की कीमतों में सुधार आया। ब्रांडेड कंपनियां में आगरा बीपी सरसों का भाव 7275 रुपये क्विंटल तक बिका। आगरा शारदा प्लांट पर सरसों का भाव 7250 का रहा। सलोनी प्लांट की बात करें, आगरा शमशाबाद दिगनेर में सरसों का भाव 7400, अलवर सलोनी में 7400 और कोटा सलोनी प्लांट में भी भाव सरसों का 7400 रहा। साथ ही उधर अगर मलेशिया में पॉम तेल की कीमतों लगातार दूसरे दिन करीब 1% तेज हुई थी। चीन के संघाई में भी कोरोना को लेकर लगाया लॉकडाउन बुधवार को समाप्त हो गया। अच्छी न्यूज आई, उम्मीद लगाई जा रही है कि अब वहां से खाद तेलों की आयात मांग निकलेगी। इंडोनेशिया से पाम तेल का निर्यात खुल चुका है और निर्यात गतिविधियों में तेज हो रही है। घरेलू बाजार की बात करें तो व्यापारी के अनुसार सरसों में किसानों के साथ हैं स्टॉकिस्ट, जो स्टॉक करते हैं। स्टॉकिस्ट की बिकावली कमजोर है, लेकिन मिलों पर सरकार का दबाव लगातार जारी है। सरकार तेल की कीमतों पर पैनी नजर बनाए हुए है, हर सप्ताह खाद तेलों की कीमतों की समीक्षा कर रही है, जिस कारण मिलर्स केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीद बिक्री कर रहे हैं। इसलिए सरसों की कीमतों में अभी तक वैसी तेजी दोस्तों नहीं आ पा रही है। दोस्तों बात करें गसिंहपुर अनाज मंडी की, तो वहां पर भी सरसों का भाव 6441 का रहा, एक अच्छा भाव देखने को दोस्तों मिल रहा है। बता दो आपको कि देश भर की मंडियों में बुधवार को सरसों की दैनिक आवक 3.80 लाख बोरी हो गई, हालांकि मंगलवार को भी आवक इतनी नहीं थी। किसान साथियों, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि घटे हुए भाव जल्द ही एक एवरेज भाव के अनुसार धीरे धीरे मंडी में सुधार देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, अगर आपने अभी तक सरसों नहीं बेची है तो हमें लगता है कि आजकल का माहौल में सरसों निकालना ही सही रहेगा। सरसों में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन आगे चलकर सरसों में नरमा जैसा माहौल बन सकता है, क्योंकि ओवरऑल विश्व में खाद तेलों की कमी है, इसके अनुसार सरसों में तेजी आ सकती है। अगर आप चाहेंगे तो स्टॉक करके रख सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो सरसों को बेच दे, भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसा लगा रिपोर्ट हमें आप जरूर बताइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद।